आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में आप एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रह्म कुमारीज के शांति शिखर आश्रम में बीते दिनों नवरात्र के अवसर पर आयोजन किए गए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी मध्य प्रदेश में शिव की नगरी कहलाती है और शिव की नगरी में ब्रह्म कुमारीज के शांति शिखर आश्रम में चैतन्य देवियों की झांकियां प्रस्तुत की गईं। मेडिटेशन की मुद्रा में ब्रह्म कुमारीज यहाँ पर बैठी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है, यहाँ चार देवियाँ बैठी आपको दिख रही होंगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये जड़वत प्रतिमाएं हों, पर ये जड़वत प्रतिमाएं नहीं, चैतन्य देवियां हैं जो लगातार लंबे समय तक जड़वत अवस्था में ही यहां पर विराजी रहीं। और इनके यहां पर आप देख सकते हैं संवाद भी इनके चल रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता काली, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता और काली माता, चार यहाँ पर प्रतिमाएं जड़वत स्थिति में आपको दिखाई दे रही होंगी। देख सकते हैं आपको सरस्वती माता किनारे में हंस के ऊपर विराजी हुई दिख रही होंगी और दुर्गा माता, काली माता, चारों लक्ष्मी माता, सभी माताएं आपको यहाँ पर जड़वत स्थिति में ब्रह्म कुमारी की बहने हैं उनके द्वारा ये सब प्रस्तुत किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। लोनिया रोड पर शांति शिखर आश्रम है और शांति शिखर आश्रम में इस संपूर्ण जो भी आयोजन किए गए वो आयोजन आप यहाँ पर किए गए आप देख सकते हैं। निष्पक्षता, सहनशीलता, दूरदर्शी, गंभीरता, ये बहुत सारे कोटेशंस यहाँ पर लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर नाट्य रूपांतरण भी आपको दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ब्रह्म कुमारी इसका शिव की नगरी सिवनी में यह आश्रम जिसे शांति शिखर नाम दिया गया है, भैरवगंज से लोनिया मार्ग पर यह स्थित है। बहुत धर्ममय वातावरण में यहाँ पर इसकी प्रस्तुति दी गई आपके सामने। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ देखिए ब्रह्म कुमारी के यहाँ पर अनुयायी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे शांति शिखर आश्रम में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। जड़वत प्रतिमाएं, जड़वत मूर्तियां यहाँ पर, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा कि चार प्रतिमाएं बैठी हुई हैं, चार मूर्तियां रखी हुई हैं, पर ये चारों प्रतिमाएं या चारों मूर्तियां जीवंत हैं, चैतन्य देवियां हैं। इनके यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसमें माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता काली, चार देवियों की यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रतिमाएं हैं, पर यहाँ चार देवियों की प्रतिमाएं जीवंत हैं, चैतन्य देवियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। और जो भी आपको यहाँ पर ब्रह्म कुमारी इसके अनुयायी दिख रहे हैं वे यहाँ नाचते, झूमते, गाते, आनंद मनाते आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ब्रह्म कुमारी इसकी जब शुरुआत हुई थी सिवनी में 80 के दशक में, ब्रह्म कुमारी इसकी जब शुरुआत हुई थी तब सुनारी मोहल्ले में इनका आश्रम हुआ करता था। उसके उपरांत ये आश्रम भारतीय स्टेट बैंक के बारापत्तर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के पीछे वहाँ पर बनाया गया। और अब लगभग 4-5 सालों के कोविड के पहले ही लोनिया रोड पर
शांति शिखर आश्रम यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, तैयार करा लिया गया है, जहाँ पर अनेक आयोजन किए जाते हैं। ब्रह्म कुमारी इसके द्वारा जो भी शिक्षाएं दी जा रही हैं, उसके चलते उनके अनुयायियों की तादाद में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।